We are always very happy to present something very ancient. That's what Bhakti Kala Kshetra is known for. And we would like to keep the tradition alive in India. We don't want to see that something crops up which is not belonging to us. And that's what Prabhupada ji stands for. Prabhupada ji was the founder acharya of this Bhakti Kala Kshetra, who kept in mind that we have to see that the young generation gets motivated to listen not the trash, but the real music. That real music means which can take us beyond mind, body and senses. But at the present moment, people are engrossed on a sensual platform. So we would like to take them to the transcendental platform. And when we are presenting this wonderful festival of Dhrupad, it goes back to the ages. And ages like Tansen, who used to sing and there used to be rain. Okay? And now, when people sing, who comes? So that you have to judge. I will not be able to judge on this line when people are able to hear. So that's our dharohar, wo hamari sampati hai. Aur us sampati ko hum phir se wapas lana chahte hain, usko promote karna chahte hain. Ye hamari shuruaat hai. Hamari trutiyon ko na dekhen, hamare prayas ko dekhiye. Yehi hamara nivedan hai aapse. The music which comes from the heart for pleasing the Lord, that is an absolute music. Rest, everything is distraction. Okay. So, Sudhir ji ne join kiya, Sekhar ji ne join kiya, aur Swami ji bhi aaye hain, aur bade diggaj log hain. Kitne prasann hain aap, aur kitne zyada aap apni prasannta ko vyakt kar payenge ki aaj kaise mehsoos kar rahe hain? Mere paas shabd nahi hai, main itna khush hu ki aaj jo mera sapna tha wo sakar ho raha hai. मैं पिछले 20-22 साल से ये सोच रहा हूँ कि ये ध्रुपद समारोह मुझे करना है. बॉम्बे में हम रहते हैं तो कम से कम ये एक पहचान होनी चाहिए कि ध्रुपद समारोह पूरे इंडिया में सब जगह फेमस होना चाहिए. ये हमारा सपना साकार किया है. और श्री सुरेश चतुर्वेदी जी के माध्यम से, मैं श्री सूरदास जी के, प्रभु जी के माध्यम से, इनके आशीर्वाद से, और जोन कल्चरल सेंटर जो हमें, जिसने ये सहयोग दिया, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ. ये तो बस कुछ ईश्वर की कृपा होती है कि जिसके भाग्य में कुछ यश मिलना होता है. श्री शेखर सेन जी हमारे बीच में आज हैं, ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने जो है इस निमंत्रण को स्वीकार किया और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो समय दिया है. सर, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जारी हुई है, आप क्या कहते हैं, वर्ड्स क्या रहेंगे, या किस तरीके से अपने आप को बयां कर पाएंगे? सुखदेव जी ने जो मूवमेंट चालू किया है, उसमें जिन विभूतियों का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि इन्होंने संकल्प लिया है तो आगे जाके बहुत बम्बई में बहुत अच्छी तरह से प्रसारित होगा. और उनका संकल्प यह है कि हम हर साल ध्रुपद महोत्सव को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पुरानी इस विधा से जुड़ें. आज जो लोग भूलते जा रहे हैं इस विधा को, उस विधा को हम अपनी नई जनरेशन तक भी इस माध्यम से पहुँचाएँ कि उनको भी लगे कि हमारी पुरानी विधा भी उतनी ही इंटरेस्टेड है जितनी कि आजकल की जो फोक म्यूजिक या दूसरी म्यूजिक हैं. ये सब मूल वहीं है, वहीं से निकला है संगीत, वहीं से निकला है. तो बच्चों को भी इसका ज्ञान हो कि हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं वही बहुत अच्छी हैं और उन्हीं से सब चीज़ें निकली थी. आपने बार बार एक सवाल किया है, आधुनिक संगीत और पुराना संगीत. दरअसल संगीत संगीत है. संगीत में जो संग, इसलिए शब्द आया है कि जब तक उसके अंदर सद्भावना ना हो, जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक तत्व ना हो. कम शब्दों में कहूँगा कि आधुनिक संगीत भी अच्छा है, पर आधुनिक संगीत सुनते हुए आपके पांव नाचने लगते हैं, पर जो आध्यात्मिक संगीत होता है उसको सुन करके आपका सर नाचने लगता है. बस इतना फर्क है. तो इसलिए जैसे कि अब जब शेख सचिन जी ने बात कही है और हमारे सूरदास जी ने भी कहा कि जिससे आत्मा को तृप्ति हो वो रियल संगीत है, तो आधुनिक संगीत को भी ऑल द बेस्ट. और हमारे पंडित सुखदेव जी ने जो चालू किया है वो चालू रहे और हर एक तरह से
जैसे आपने अच्छा मैसेज दिया कि इनके तमाम बड़े बड़े लोग शिष्य हैं, वो भी लोग इससे इन्वॉल्व हैं और ये संगीत सामने आए, यही हमारी शक्ति और शिक्षा है। My humble request to all the media people is, please be kind upon this festival, because without your support, our endeavor cannot be successful. And especially this harsh world, where everything is dominated, quote unquote, by Bollywood, I would like to humbly request that you cover, even if it's in a faulty endeavor, but just highlight it so much that people come to know the whole world. And that's my humble request. As I said in my beginning, पहले ही मैंने अपने वक्तव्य में ये बताया कि हमारी त्रुटियां बहुत हो सकती हैं, मगर ये हमारी शुरुआत है और हम इसको ऐसे शिखर पे लेके जाएंगे जिससे कि आप सब भी याद करेंगे। नेक्स्ट ईयर का जो द्रुपद फेस्टिवल होगा, इट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यू विल सी इट एंड वी आर ट्राइंग टू कंटेम्पलेट इट बिकॉज दिस इज एन एंथुजियाज्म कम फ्रॉम मैनी पीपल। शेखर भाई इज हियर, he is in you know the chairman of our academy in Delhi. Not only that, but he has been promoter of that music which touches your soul. So like minded people will get together more when they come to know that we are doing some endeavor here, and we would like to see that they come to this platform with humbly, like Akbar the Great. Yes. Went to meet Haridas ji to see who is this person who is singing this wonderful, क्योंकि उनके शिष्य का दर्शन करने से ही अकबर के हृदय में कुछ हो गया कि मैं जरा हरिदास को देखने जाऊं। तो ऐसे ही एक हमारा छोटा सा एंडेवर है, जब पूरा विश्व जानने का कि यह हमारा एंडेवर कौन कर रहा है, वी वॉन्ट टू सी द दे कम एंड पार्टिसिपेट इन दिस द्रुपद फेस्टिवल। हरे कृष्ण।